यार सुनो, न्यू टाउन में ना एक नया पॉश कैफे खुला है, चलें क्या? दिखा, अरे वाह, आई मीन यार मैं हर बार तुम लोगों की चॉइस के कैफे में क्यों जाऊं? ऋषि क्या हो गया, हम तो बस सजेस्ट कर रहे हैं, तू बताना कहाँ चलना है, वी विल गो देयर। यार पर हर बार मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है, लास्ट टाइम हम तेरे बताए हुए कैफे पे ही गए थे। अच्छा, और उससे पहले मैंने तुम दोनों को कितनी बार बोला है? क्योंकि तू हर बार प्लान कैंसिल कर देता है ऋषि। यार देखो, तुम दोनों आज भी मेरे बिना चले जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना है। ऋषि मेरी बात तो सुन। यार ये ऋषि को क्या हुआ है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात थी? यार तुझे पता है ना, उसके फादर की तबीयत ठीक नहीं है, आई थिंक इस वजह से उसका मूड ऑफ होगा। आई गेस सो, एंड हम उसे 3 साल से जानते हैं, ही विल बी ओके। या एंड वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। चलें। ये तुम्हारे लिए। अरे ऋषि, ये तुम्हारे लिए। थैंक्स सर। नेहा ये सब क्या है, ये गिफ्ट क्यों लेकर आई हो मेरे लिए? क्यों मतलब क्या, मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी ट्रिप पे, तो तुम दोनों के लिए ले आई। लेकिन यार ये गिफ्ट और ये सब चीजें मुझे नहीं पसंद है। अरे बट हम शेयर करते थे पहले गिफ्ट्स, पहले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अरे पहले नहीं हुई तो क्या अब भी नहीं होगी? एक मिनट ऋषि, वो इतने प्यार से तेरे लिए लेकर आई है, एक्सेप्ट तो कर ले गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए ये गिफ्ट। क्या हुआ ऋषि, कुछ दिनों से तुम्हारा मूड ही काफी ऑफ है। यार एक तो तुम दोनों ना मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो प्लीज, वैसे भी हमारी क्लास का टाइम हो चुका है। ऋषि मेरी बात तो ऋषि तूने बताया नहीं। क्या नहीं बताया? साक्षी मुझे रोशाली से पता चला है कि ये कॉलेज के बाद वापस अपने गांव जा रहा है। पर ऋषि तुम तो कह रहे थे कि कॉलेज के बाद 2-3 साल तक तुम यहीं रहोगे, फिर गांव क्यों? अरे यार ये कॉलेज वैसे भी जल्दी खत्म हो जाएगा और पापा को भी मेरी जरूरत है, तो सोचा दुकान पर बैठ के उनकी थोड़ी हेल्प ही कर दूंगा। ऋषि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम थक गए हैं पूछ पूछ के कि तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कम से कम हमारे साथ प्रॉब्लम शेयर तो कर सकते हो ना। देखो यार इतनी भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती किसी खराब नोट पर एंड हो, सो इस चीज का प्लीज इतना बड़ा कोई इशू मत बनाओ। बट तू हमसे तो शेयर कर सकता है ना ऋषि। आई एम सॉरी गाइस, बट ये मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है, और वैसे भी मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ, तो बेटर यही होगा कि तुम दोनों भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। बट क्या प्रॉब्लम है? पिज्जा आने ही वाला है। हाँ यार, और हमने ऋषि का फेवरेट पिज्जा ऑर्डर किया और वही यहाँ पर नहीं। यार मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है, अब वीडियो कॉल करें उसे। हाँ ना कर, अब मैं एक बार देखती हूँ। ऋषि तुम, ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मेरे दोस्त की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो सोचा मैं डिलीवर कर दूं। मगर तुम तो कह रहे थे कि तुम सबको छोड़ के वापस अपने गांव जा रहे हो। नहीं मतलब, मतलब तुमने हमसे झूठ बोला था। ऐसे चुप क्यों खड़े हो ऋषि, अब तो सच बता दो हमें। यार पिछले कुछ हफ्तों से मेरे घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस कुछ ठीक चल नहीं रही है, तो इसलिए ये डिलीवरी बॉय की जॉब करी है, सोचा मम्मी पापा की कुछ हेल्प हो जाएगी। और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा, बस यही दोस्ती थी क्या हमारी? यार मुझे लगा तुम भला मुझ जैसे डिलीवरी बॉय से क्या दोस्ती करोगे। तुम पागल हो ऋषि, तुम हम दोनों के बारे में ऐसा सोचते हो, इतना गिरा हुआ सोचते हैं हम दोनों? नहीं यार, बस मैं ये चाहता था कि तुम लोग मुझ पर तरस खा के मुझसे दोस्ती ना करो। ऋषि तुमने सही किया, तुमने सही किया हमसे झूठ बोल के, और अच्छा किया कि तुम हमसे दूर चले गए। बिल्कुल सही कहा, तुम जैसे दोस्त होने का क्या फायदा,
जो हमें अपना तक नहीं समझता? नहीं यार, मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश करी थी पर बताया तो नहीं ना। तुम सही कह रही हो यार, मुझे चीजें नहीं छुपानी चाहिए थी। हाँ, क्योंकि ऐसे चीजें छुपाने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। I'm sorry यार, really sorry। तुम्हें एक ही शर्त पर माफी मिलेगी कि तुम हमसे वादा करो कि अगली बार तुम जब किसी भी प्रॉब्लम में होगे ना, तो चीजें अज्यूम ना करने की बजाय हमसे शेयर करो। प्रॉमिस। अच्छा, तुमने मेरा ये फेवरेट पिज्जा मंगवाया है, अंदर चल के खा ले। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो, हैप्पी न्यू ईयर।